वैसे तो बुंदेलखंड के दमो जिले में स्वाद के शौकीन के लिए कई चटकारेदार मशहूर दुकानें हैं, लेकिन महेश चाट का अपना ही क्रेज है। कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट से लेकर स्कूली छात्र छात्राएं महेश चाट खाने के लिए अधिकतर आते हैं। इस दुकान की सबसे खास बात यह है कि यहाँ साफ सफाई के अलावा यहाँ तैयार होने वाला जलजीरा के कई फायदे हैं। धीमी आंच पे सिके हुए जीरा, अलजीरा और डोड़ा से तैयार जलजीरा और न्यूनतम मसालों का उपयोग करते हैं, जिससे ग्राहकों को पाचन संबंधी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। भीड़ अधिक होने के कारण यहाँ एक पत्ता चाट लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। यह दुकान बीते 70 सालों से पुराने दमों में संचालित है। यहाँ तैयार हुई फुल्की के पानी का अलग ही स्वाद है। यहाँ तक कि दिल्ली से आई खाद्य विभाग की टीम ने इनके जलजीरा में मौजूद मसालों को परखा। सब कुछ ठीक पाए जाने पर उन्हें फायदे का सर्टिफिकेट मिला। मेरा नाम रविंद खरे है। मैं 12th में आया था तो मेरे सर थे ज्ञानी मिश्रा, तो उन्होंने मुझे बताया था कि दमो में आप जब भी जाओ तो हरी की तो हाँ चाट भंडार पे जाना, महेश चाट भंडार। तो मैं जब से ही आ रहा हूँ, करीब 7-8 साल हो गया मुझे यहाँ आते हुए। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब भी आता हूँ तो मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर आता हूँ। मेरी दुकान सन सत्तर से यानी 6th क्लास से मैंने दुकान चालू की। इसके पहले मेरे पिताजी ने दस साल चला, इसके बाद हम 62 साल के हो गए इस दुकान की बिजनेस करते हैं। क्या खासियत है आपकी दुकान? हमारी खासियत तो दुकान की विशेषता है जलजीरे को पानी सबसे मेन। उसके बाद हमारे यहाँ आलू की खेती साउदान है और मूँग के मसाले से बनाई जाती है। और मेन कचौड़ी जो उड़द की दाल से बनती है, उड़द की दाल के मसाले, ये तीन चीज़ें हमारी बहुत फेमस है। कहते हैं आपके जलजीरा से किसी के मुंह में छाले हो, खट्टी डकारें आ रही हो, गैस पास ना हो रही हो, भूख ना लग रही हो, ये मेरी गारंटी है। हमारे यहाँ का पानी यूज करने से आपको विशेष नहीं हो रही। कैसे तैयार करते हैं ये जलजीरा? ये हमारा जलजीरा रहता है, ये जीरे का पानी बनता है, उसको मसालों से सेट करते हैं। जीरा है, साई जीरा है, काली मिर्ची है, डोड़ा है, इसके द्वारा बनाया जाता है। लक्षण है इनके, जैसे आपको छाले आले हो, गैस बन गई, इससे दूरी होगी।